नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो देगा युवाओं को जिला बनाने का संकल्प पत्र, उसे मिलेगा आगामी चुनाव में युवाओं का वोट और समर्थन। जानिए इसके बारे में अनिकेत मिश्रा ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और आप देख रहे हैं द खबरदार। त्योथर जिला निर्माण मंच त्योथर जो समिति है, उस समिति में कई युवाओं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी के तत्वाधान में आज हमारे सुहागी ग्राम पंचायत चंद्रशेखर आजाद फौज के संस्थापक अनिकेत मिश्रा हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं त्योथर जिला बनाना क्यों जरूरी है। देखिए, जैसा कि भी आपको धर्मेश शुक्ला जी ने बताया है, जिसके हिसाब से कि त्योथर जो हमारा है, त्योथर में हमारे किसी भी प्रकार की जो जिले में आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार हमारे त्योथर में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जो त्योथर विधानसभा के विधायक हैं श्यामलाल द्विवेदी जी, उनका पिछले चुनाव में पहला एजेंडा था त्योथर को जिला बनाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। इस विषय पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों को दिखा कि उन्होंने संघर्ष किया है? देखिए, विधायक जी का संघर्ष तो हमको सिर्फ चुनाव में दिखा था 2018 में, और उनका संघर्ष इस प्रकार से था कि जैसे आदमी कहता है कि अगर कोई किसी को जरूरत हो तो हमें, जो एक मोह माया होता है, वो जाल विधायक ने बहुत अच्छी तरह से फेंका हुआ था। और उस समय वो चुनाव में अपने को विधायक बनने के लिए जो जो उनसे हो सका है वो सब उन्होंने कहा है। लेकिन आज की स्थिति त्योथर की क्या है और युवाओं की क्या है वो आप भी देख रहे हैं। जिले की तो बात अगर हम विधायक जी से आशा करें तो बहुत दूर की बात है। हमको लगता है विधायक शायद एक आध बार पत्र में लिखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके अलावा मैंने दूसरी बात यह है कि विधायक जी अगर जिले की जहां बात करते हैं तो यहां पे विधायक जी स्वयं पहले युवाओं के लिए बताएं कि वो क्या किए हैं इन 5 सालों में। जिले की बात तो उनसे मैं कर ही नहीं सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो एक बार मैं कह सकता हूं। अभी हाल ही में त्योथर विधानसभा में पूरे प्रदेश की भांति यहां भी जन आशीर्वाद यात्रा कटरा ग्राम पंचायत में हुई थी। वहां पर पहले मुख्यमंत्री फिर गृह मंत्री का कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन कुछ कारणवश पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये कार्यक्रम राजेंद्र शुक्ला को ही करना पड़ा। लेकिन जो लोगों के द्वारा जानकारी मिली, उसमें यह जानकारी मिली कि राष्ट्र सचिव जिला निर्माण में त्योथर जिला निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपने वाला था, जिसके कारण यह न्यूज पहले ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचने के कारण उनका आना यहाँ निरस्त कर दिया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा हमें जानकारी मिली है कि माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कार्यकर्ताओं के माध्यम से या तो कहीं अपुष्ट सूत्रों की माने तो उनको ये भनक लग चुकी थी कि इस बार जो है उनका मंच जो है टूटने वाला है, और मौसम के कारण मंच टूट भी गया। तो इसी डर के कारण वो त्योथर से चले गए हुए थे, रीवा से ही रिटर्न चले गए थे, त्योथर नहीं आए। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि त्योथर वासियों के साथ भगवान भी लगे हुए थे कि उनका कार्यक्रम त्योथर में ना हो। चलिए, अच्छी बात है। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी है कि आप एक युवा हैं और ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल के उम्र के हैं, आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है, आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, आप इस पूरे नजरिए को राजनीति से हट सामाजिक स्तर में जुड़ के युवाओं की तरह किस बात देखते हैं कि त्योथर को जिला बनाना कितना आवश्यक है? देखिए, त्योथर को जो है जिला बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो हम युवा हैं, अगर हमें जिले में कॉलेज का काम हो या कोई भी काम हो, उसके लिए हमें 90 किलोमीटर रीवा जाके सफर करना पड़ता है, जिसमें कि अगर हमारा 10 मिनट का काम होता है उसके लिए हमें जाके एक एक दिन पूरा बर्बाद करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे घर का भी कार्य बाधित होता है और हमारा कार्य एक दो दिन में नहीं हो पाता है। इसलिए हम युवाओं को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं त्योथर जिला निर्माण होना त्योथर के लिए बहुत आवश्यक है, और यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की हर पीढ़ी जिला निर्माण को लेकर सहमत है और हर उपयुक्त कदम उठाने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी जानूंगा कि त्योथर जिला बनाना जरूरी है कि नहीं। भाई साहब, आपका क्या कहना है, त्योथर जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जिला, जरूर बनना चाहिए त्योथर जिला। हमारे साथ और भी युवा हैं, त्योथर जिला बनाना कितना आवश्यक मानते हैं आप? त्योथर को जिला बनाना चाहिए? मान लीजिए अगर कोई पार्टी का विधायक या किसी ऐसा प्रत्याशी कोई आता है जो आपको ये बोलता है कि हम त्योथर को जिला बनाएंगे, उसे आप राजनीतिक देखते हैं या सामाजिक देखते हैं? देखिए, हम उसको अगर वो कहता है कि हम जिला बनाते हैं, हम उसको देखेंगे तो राजनीतिक से, लेकिन सामाजिक तौर पे एक ही होगा कि आप हमें एक पत्र लिख के दें कि अगर आपकी सरकार बनती है, या तो सरकार बने या ना बने, स्वयं आप विधायक बनते हैं, आप जिले के लिए आवाज उठाएंगे और 24 घंटे आप त्योथर में जिला बनाने की आवाज को लेके उपस्थित रहेंगे। हाल ही में त्योथर में हुए स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में
पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है और उस संकल्प पत्र के साथ एक ज्ञापन पत्र भी उन्होंने सौंपा है और मंच से उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि पृथक विंध्य प्रदेश और त्यौथा जिला निर्माण को लेकर मैं पूर्ण रूप से समर्थित हूँ और हर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो उनको सिद्धार्थ जैसा उनके बारे में व्यक्तित्व को जानता हूँ तो अभी तो मैं उनको सामाजिक ही कह सकता हूँ। दूसरी ये बात है कि सिद्धार्थ ही नहीं, अगर कोई भी हमारे क्षेत्र में आते हैं, अगर वो कहते हैं त्यौथर को जिला बनाएंगे और जिला बनाने के लिए हमारे साथ वो तैयार हैं, तो हमारे त्यौथर का पूरा युवा उनके साथ 24 घंटे तैयार रहेगा। वो हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको त्यौथर से मतलब है। त्यौथर का विकास होना चाहिए, पार्टी कोई भी। तो आपने देखा कि सभी लोग एकजुट होकर से एक ही मांग कर रहे हैं, त्यौथर को जिला बनाओ, त्यौथर को जिला। धन्यवाद, आगे की खबरों के लिए बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।